नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज से पूरे भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। आज शुरू हुई वैक्सीन ड्राइव में पहले दिन 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार इस वैक्सीनेशन से जुड़ी हर डेटा को एक ऐप के माध्यम से इकट्ठा करेगी। उसी ऐप पर टीका लगवाने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा, साथ ही उन पर होने वाले किसी तरह के साइड इफेक्ट पर भी नजर रखी जाएगी। सरकार ने इसके लिए कोविन ऐप लॉन्च किया है। शुरुआत में यह ऐप सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए होगा। लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों का नाम पहले से ही इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जा चुका है। कोविन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल मुफ्त होगा और यूजर्स इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के जरिए कोरोना वैक्सीन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आइडेंटिटी कार्ड जरूरी होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद ऐप पर दी गई गाइडलाइंस जरूर पढ़ लें। इस ऐप पर अपना नाम रजिस्टर करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए टाइमिंग और डेट के बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी। बता दें कि कोविन ऐप के जरिए आप यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट कर सकते हैं। इस ऐप के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से का इस्तेमाल लाभार्थी करेंगे, जबकि दूसरा हिस्सा बैकएंड मॉड्यूल होगा जिसका उपयोग टीका लगाने वाले करेंगे। जैसे ही ये ऐप सभी के लिए उपलब्ध होगी तो इसमें 4 मॉड्यूल नजर आएंगे, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, वैक्सीन एंड बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट और स्टेटस अपडेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड-19 का वैक्सीनेशन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे, इसके बाद इमरजेंसी वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। वहीं तीसरे चरण में वैसे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। बता दें कि एक व्यक्ति के वैक्सीनेशन का समय लगभग 30 मिनट का हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।